are going to discuss graphical representation of motion. हमने last video में motion chapter के जो भी definitions या जो भी basic terms थी वो सारी discuss कर ली थी. तो जो हमारा graphical part था वो हमारा रहता था. So today we will discuss that graphical part. तो उस graphical part में जो सबसे पहला जो graph आता है that is distance time graph. ठीक है, distance time graph का क्या meaning है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम तीन अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे आज. मतलब तीन अलग अलग पार्ट्स नहीं बोल सकते, तीन वेज में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आप लगा लो कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इस साइड डिस्टेंस एंड इन दिस साइड वी आर टेकिंग टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे आप लगा लो 5, 5 का डिस्टेंस, 5, 10, 15, 20, 25. Fine. तो ये हो गया मीटर्स में, ठीक है, डिस्टेंस इन मीटर्स, और ये हो गया टाइम इन सेकेंड्स. ओके, तो यहाँ पे देखो जब हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता था, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में ये सारी टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग होता था कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब वो सेम डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो हम उसके बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करना. तो यहाँ पे लगा लो कि जब 1 सेकंड में उसने 5 मीटर्स डिस्कस कर लिए, मतलब यहाँ हो गया पॉइंट. नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 5 मीटर्स डिस्कस कर लिए, तो मतलब यहाँ पे आ गया पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट लगा लो कि जो नेक्स्ट 5 मीटर है वो उसने किस में कर लिया, फिर से 1 सेकंड में कर लिया. तो मतलब ऐसे ही करते करते यहाँ पे आपका कौन सा ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ये यहाँ पे स्ट्रेट बना नहीं मेरे से, क्योंकि मैंने स्केल की हेल्प से नहीं किया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डिस्टेंस एंड टाइम. तो हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, और फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो फर्स्ट इस कंडीशन के साथ हमने इस ग्राफ को डिस्कस किया. सेकेंड केस आप लगा लो कि व्हेन ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है, तो सेम ग्राफ यहाँ पे बना लो, 5, 10, 15, 20, 25, सेम विद दिस 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, यहाँ पे टाइम है एक्स एक्सिस में और यहाँ पे डिस्टेंस वाई एक्सिस में. फाइन, तो यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ग्राफ बन सकता है. ठीक है, मान लो मैं ऐसे ज़ूम करती हूँ कि फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर्स कवर कर लिए, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट ज़ूम कर लो कि जो नेक्स्ट 1 सेकंड है उसमें उसने यहाँ पे 6 है 7 8 9, यहाँ पे ऐसे ही बनेंगे ना 5 पॉइंट्स बीच में, 4 पॉइंट्स. तो इसमें से मान लो कि नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो 7. ठीक है, रैंडमली सपोज कर लेते हैं हम लोग. उसके बाद लगा लो जो नेक्स्ट 1 है आपका सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने मान लो ये आ गया 11, 12, 13, 14, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 13. ठीक है, तो यहाँ पे उसका हो गया ये 13. ओके, तो नेक्स्ट में लगा लो, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, रैंडमली सपोज कर लो 17. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया. तो अगर ऐसे ही आप चेक करोगे ना तो कुछ भी आ सकता है इसके इससे रिलेटेड ग्राफ. तो जब आप इसको देखते जाओगे तो ये कुछ ऐसी कर्व बनेगी. ठीक है, मतलब जब आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, तो ये ऐसे ही बनेगी कुछ कर्व. ये मैंने यहाँ पे एक्चुअली उसके साथ नहीं किया ना, स्केल वगैरह के साथ. तो जब आप ड्रॉ करोगे इसे प्रॉपरली पॉइंट्स के साथ, तो ये आपका ये वाला जो ग्राफ है यूनिफॉर्म वाला वो स्ट्रेट लाइन का आएगा, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला है वो स्ट्रेट लाइन का नहीं आएगा. ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं आएगा. तो नेक्स्ट एक और केस डिस्कस करते हैं इसी ग्राफ के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ, कि मान लो जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे है, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4. ठीक है, ये सेम ग्राफ है, ये डिस्टेंस हो गया इधर, ये हो गया टाइम. फाइन, तो अभी मान लो टाइम बीतता जा रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब कि मान लो 0 से 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का टाइम हो गया. जो ऑब्जेक्ट है, चलो उसने स्टार्टिंग में कवर कर लिया थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद
उसके बाद ऐसे ही लगा लो, यहाँ पे आया, उसके बाद 2 सेकंड हो गए लेकिन फिर भी यहीं पे है, रेस्ट पे है, 3 सेकंड हो गए फिर रेस्ट पे है, 4 सेकंड पे भी रेस्ट पे है, 5th सेकंड पे भी रेस्ट पे है। तो मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके उसके बाद वो चला गया रेस्ट पे। तो रेस्ट पे ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं जहाँ पे दोनों एक्सिस का जो डिस्टेंस है, मतलब जो दोनों एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग वो सेम कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग में इनिशियली, उसके बाद चला गया रेस्ट पे। तो व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। फाइन, तो अभी इसके बाद चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। सो फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम क्या चीज डिस्कस करेंगे कि दो केसेस के साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकंड केस होएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहला केस होएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो इस चैप्टर की जहां पे मैंने ये सारी टर्म्स को डिफाइन किया और एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो कब होगी कि जब वेलोसिटी का जो इंक्रीज और डिक्रीज है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं, मतलब उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। ये हो गई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्ट वाई एक्सिस एंड टाइम इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो अगर सेम टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब पहले जो 2 सेकंड है तो वहां पे जो वेलोसिटी चेंज है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो नेक्स्ट अगर नेक्स्ट 2 सेकंड की बात करें तब वो 10 हो जाएगा, एंड सेम विद दिस नेक्स्ट उसमें 2 सेकंड में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो भी क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में जो आपका ग्राफ है वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फाइन, तो अभी नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक है। सेम ग्राफ बन गया यहाँ पे, ये हो गया 5, 10, 15 एंड 20, सेम विद दिस वन 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे हो गया टाइम, यहाँ पे होगी वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो हमने बोला था वेलोसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब चेंज हो रही है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान लो पहले जो 5 का है, मतलब 5 जो वेलोसिटी थी वो मान लो उसने 2 सेकंड में हो गया, ठीक है, उसका जो टाइम है वो हो गया 2 सेकंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पे चला गया सिर्फ इतना सा, ठीक है, ये आप ग्राफिकली जब आप बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो फिर एकदम से डिक्रीज होगी वेलोसिटी, ठीक है, मतलब डिक्रीज का मतलब यहाँ 7 तक पहुंच चुके थे हम, ये 7 पे मैंने लगाया था, तो 7 के बाद सॉरी 8 पे आ गया था, तो 8 के बाद मान लो डिक्रीज होगी वापस 6 पे आ गई, सपोज कर लो नेक्स्ट उस टाइम में 6 पे आ गई, तो मान लो यहाँ पे आ गई वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर से सपोज कर लो कि इंक्रीज होगी एकदम से, ठीक है, इंक्रीज मतलब 11, 12, 13, 14, तो मैं ज़ूम कर लेती हूँ यहाँ पे 13 पे, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इंक्रीज हो गई 13 पे आ गई। उसके बाद फिर से सपोज कर लो कि इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब 15 पे आ गई, तो नेक्स्ट उसमें 15 पे चली गई, फिर डिक्रीज भी हो सकती है, तो मतलब नेक्स्ट अगर सपोज करे 16 वाला तो यहाँ पे भी आ सकती है। तो ऐसे ही देखो जो ग्राफ आपका बनता जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, तो मतलब चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा, तो यहाँ पे ये किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, बिकॉज़ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, तो वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज के साथ कुछ इस तरह से, ठीक है, फ्लक्चुएशन आएंगी ग्राफ में। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ और भी ग्राफ की शेप आ सकती है आपकी, ठीक है, तो वो डजेंट मैटर कि सेम नहीं आ रही हम लोगों की, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस हैं मोशन की हमारे पास, वो हमें डिस्कस करनी है, उनके प्रूफ्स देने हैं, ग्राफ्स के साथ डिस्कस करनी है। ओके, तो उस चीज में मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ, उस इक्वेशंस में आपको यही वाला ग्राफ काम आएगा, ठीक है, जहां पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इसी ग्राफ को हम उस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे उन 3 इक्वेशंस के प्रूफ के लिए। सो आवर नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज
इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आर हैविंग थ्री इक्वेशंस, ठीक है, तीन इक्वेशंस है मोशन की. फर्स्ट वन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, या रिलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. एंड सेकंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, या रिलेशन या इक्वेशन सेम थिंग है. लास्ट वन इज 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है. तो यहां पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, ये सारी पहले मैं आपको टर्म्स बता रही हूं. तो ये तीन जो इक्वेशंस हैं, हमें ये इक्वेशंस यहाँ पे प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे. मैंने आपको अभी बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो ये हो गया देखो वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, वेलोसिटी एट वाई एक्सिस एंड टाइम एट एक्स एक्सिस. तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स, मतलब कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं. पहले मान लो यहाँ पे ओ ओरिजिन था, ठीक है, यहाँ पे मोशन जो है, मतलब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो हमने मोशन डिस्कस करना था, वो यहाँ पे ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है. तो यहाँ तक तो ये सेम ही था, यहाँ पे जाके ये स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, बी तक पहुंच गया फाइनल पॉइंट. उसके बाद ये जस्ट मैंने हमारी इक्वेशंस के प्रूफ करने के लिए उस चीज में जो हेल्प करेगा, तो ये जस्ट मैंने लाइंस उस चीज के लिए ड्रॉ कर रखी है. आपको साथ साथ बताऊंगी जब हम वो इक्वेशंस प्रूव करेंगे या ड्राइव करेंगे उनका जो रिलेशन है. तो इस ग्राफ के साथ हमें वो डिस्कस करना है. तो ये ग्राफ मस्ट है, मतलब आपको सब पता होना चाहिए इस ग्राफ के बारे में. और यहाँ पे अगर इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये आपको एक साथ भी आ सकती है एग्जाम से, एग्जाम में अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तीनों एक साथ भी आ सकती है कि ड्राइव द रिलेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, या हमें अलग अलग भी आ सकती है. मतलब कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दिस इक्वेशन, ठीक है, बोला जा सकता है ऐसा, या फिर इस नेम से बोला जा सकता है कि प्रूव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, प्रूव वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, या ये चीज बोली जा सकती है प्रूव पोजीशन टाइम इक्वेशन या रिलेशन. तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ्स ऑफ दिस इक्वेशन, हम इनकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इस चीज के प्रूफ के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे हमारी जो डेरिवेशन है, that is definition of acceleration. अभी acceleration की definition क्या होती है? Change in velocity upon total time. तो change in velocity upon time. तो अगर हम इस चीज को graph में check करें हमारे कि change in velocity कहाँ पे हो रही है, इस चीज को start करने से पहले हम यहाँ पे कुछ terms denote कर देते हैं. देखो यहाँ पे O है, मतलब origin, तो यहाँ पे तो velocity zero है. उसके बाद स्टार्ट किया ए तक पहुंच गए, ठीक है. तो जब मोशन जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रियल में तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ए टू बी हो गया है, तो ए से मोशन स्टार्ट हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है एट पॉइंट ए वो क्या होगी, यू, ठीक है. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यू. उसके बाद जाते जाते फाइनली बी पॉइंट तक पहुंच गए वो, ठीक है. तो मतलब बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, v, because यहाँ पे finally reach कर गया वो, तो मतलब final point है वो हमारा, तो वहाँ पे final velocity होगी, that is v, okay. तो अभी देखो v point के सामने, मतलब ये तो just parallel ही है ना, तो अगर यहाँ पे velocity v है, तो यहाँ पे e point पे भी velocity क्या होगी, v, ठीक है. same चीज आप यहाँ भी सोच सकते हो कि अगर इस point पे velocity u है, तो इस point पे भी velocity क्या होगी, u, but वहाँ पे हमें अभी चाहिए नहीं, ठीक है. तो ये हो गए कुछ points. उसके बाद time की बात करते हैं. यहाँ पे ओरिजिन पे है, तो मतलब टाइम क्या होगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ मोशन नहीं हो रहा, तो टाइम भी क्या है, जीरो. उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे मोशन हुआ, तो यहाँ पे टाइम मूव कर रहा है, मतलब टाइम भी आगे चल रहा है. तो इस पॉइंट पे जहाँ पे फाइनली वेलोसिटी पहुंच गई v वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे टाइम कितना होगा, लेट अस सपोज टाइम t, ये हमने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट तक पहुंच के, मतलब वो जो मोशन है उसने वहां पे कवर किया है, फाइनल पॉइंट पे वो पहुंचा है बी पे, तो कितने टाइम में पहुंचा है वो, टी टाइम, ठीक है, टी सेकंड्स में पहुंचा है वो वहां पे.
चेंज इन वेलोसिटी की, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी कहाँ हो रही है, देखो इतना सा मोशन है ए टू बी, ठीक है, तो इस ए टू बी वाली कर्व के अंदर मतलब इसी कर्व के ड्यूरिंग जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किन दो पॉइंट्स में हो रही है, दिस मतलब ये वाले लगा लो, चाहे बी टू डी लगा लो चाहे ई टू ए लगा लो, मतलब इसी पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी चेंज हो रही है फाइनली। तो यहाँ पे अगर आप डिस्कस करोगे आप चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन बी डी या आप ई ए भी लिख सकते हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी को बी डी अपॉन, टाइम की बात हो रही है तो मैंने आपको अभी बताया कि ए बी कर्व के ड्यूरिंग टाइम कितना हो रहा है ओ सी, फाइन डन, तो ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी, ये हमारे पास अभी स्टार्टिंग में इतना सा रिलेशन आ गया। तो एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब बात करते हैं हम ऐसे दो पॉइंट्स की, वैसे ही मैथ्स का काम है कि जब दो पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं ना हम बी डी, तो जब आप उसको कर्व्स में चेक करते हो तो देखो बी डी तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि दो पॉइंट्स की बात हो रही है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को हम इस उसमें लिखते हैं। अगर मान लो ये बी डी तो मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं उस कर्व के, अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो ठीक है, तो उसकी वैल्यू के लिए हम मान लो बी पॉइंट के ऊपर कितनी जो भी हम क्वांटिटी वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है वी, और डी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी यू, कायदे से हमें बी डी नहीं डी बी लिखना चाहिए, ठीक है, डी बी मतलब ये वाला यहां से लिखना चाहिए, बिकॉज पहले वेलोसिटी यू थी बाद में जाके वी होगी, तो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो डी बी होना चाहिए, तो जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे डी बी की वो क्या चीज हो जाएगी, फाइनल पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू है माइनस इनिशियल पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, तो फाइनल पॉइंट पे क्या है वैल्यू बी, बी पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की वी माइनस डी के ऊपर कितनी है यू, तो ये हो गया वी माइनस यू। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, हमने OC को टाइम लिया है, टाइम T लिख दिया मैंने, OC को मतलब हम लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे OC की भी वैल्यू खोलनी आ जाए आपको, देखो OC ये जस्ट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स लगा लो ABCD हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो है अगर वो हम इन वेरिएबल्स के उसमें फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे OC मतलब C पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है टाइम की T माइनस O आ गया, उसके बाद मतलब फर्स्ट पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है टाइम की वो तो जीरो ही है, तो टी माइनस जीरो, तो इट मींस कि जो OC की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी टी माइनस जीरो इज इक्वल टू टी, ओके, तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो तो अगर बी डी नहीं डी बी लिखो आप, तो अभी मान लो जो वैल्यू है डी बी की वो हमने क्या फाइंड आउट की है वी माइनस यू, तो मैं वो यहाँ लिख सकती हूँ वी माइनस यू, OC की हमने क्या फाइंड की थी टी, तो वो हो सकता है टी, तो अगर इस रिलेशन को मैं सॉल्व करूं टी को अगर मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो अभी अगर यू को अगर प्लस में ले जाऊं तो वी विल इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी हमारी, हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट की और यहाँ पे इस रिलेशन में पहुंच गए फाइनली, ओके, तो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन के प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, लेट्स स्टार्ट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी हमारी सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए सपोज कर लो कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी, यहाँ पे अभी ए लाइन को भी भूल जाओ, मान लो आपके पास सिर्फ ये है ओ ए बी सी, एरिया अंडर द कर्व जिसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व, तो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी या एरिया अंडर ओ ए बी सी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, तो इस चीज को मैं दो फॉर्म्स में तोड़ सकती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे जो जो ये जो लाइन हमने कंसिडर की हुई थी दो पार्ट्स में तोड़ सकती हूँ उसको, देखो आपको ये वाला जो पोर्शन है वो कैसे दिख रहा है एक रेक्टेंगल में और एक ट्रेंगल में, तो मैं इसको दो पार्ट्स में कैसे तोड़ूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी बन रही है ए डी बी या ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी, यहाँ पे क्या थी रेक्टेंगल, ठीक है, ये ए मैंने एरिया के लिए लिखा है एरिया ऑफ ओ ए डी सी, तो
ये चीज होगी। तो मैंने इनको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब इन दोनों पार्ट्स का आपको फॉर्मूला पता है एरिया का, यू नो अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्सो नो अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रही है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ हाफ बेस यहाँ पे क्या है AD इनटू हाइट, हाइट यहाँ पे क्या है BD, प्लस ये एक टर्म होगी। सेकेंड वन इज एरिया ऑफ OADC, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो ये बनेगा OADC, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब OA इनटू OC। तो ये तो आ गई जस्ट पॉइंट्स की फॉर्म में आ गई, हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिए दोनों के। अभी उसके बाद वैल्यूज की बात आती है, तो फिर से आपको पहले AD BD OA OC इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो पहले बात करते हैं AD की। AD यहाँ पे क्या है, देखो दिस वन AD, ठीक है। देखो OC की वैल्यू थी T, तो अगर AD की बात करें ये भी तो सेम ही है, पैरेलल है उसके, तो AD की वैल्यू पे T ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया T इनटू नेक्स्ट वन इज BD। यहाँ पे BD की वैल्यू अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ में की थी कि B के ऊपर वेलोसिटी V है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी U, तो अगर आप इसका डिस्टेंस चेक करोगे तो इट विल बी V माइनस U, ठीक है। तो ये आ गया V माइनस U, फाइन। प्लस उसके बाद आ जाओ OA पे, मतलब दिस पॉइंट OA का जो डिस्टेंस है वो क्या होएगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करूँ, मतलब u माइनस 0, तो वो कितना आ जाएगा u इनटू OC क्या है हमारा t, तो वो तो हमें पता ही है दिस इज t। तो अगर यहाँ पे चेक करो आप, देखो एरिया को s कंसीडर कर लो, सो दैट जो हमारे इस फॉर्मूला में जो टर्म आ रही है s, वो यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ, देखो फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमारा यूटी तो ये बन गया, इसको ऐसे ही लिख लो, ये यूटी तो ये आ गया प्लस हाफ भी आ गया, ठीक है। उसके बाद है एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर देखो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन याद हो, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर मैं यू को उधर ले जाऊं देन वी माइनस यू इज इक्वल टू एटी, तो यहाँ पे वी माइनस यू की वैल्यू क्या आ रही है 80, तो you can use the this relation, ठीक है। तो यहाँ पे v minus u की जगह आप ये value substitute कर सकते हो, तो मतलब v minus u की जगह आप लिखोगे 80, ठीक है। यहाँ पे आपको mention करना है from this relation, यहाँ पे लिखना है bracket में because of this relation या from this relation, okay? तो next अगर इसको proper लिखो तो क्या बन जाएगा, s is equal to ut plus half at square, तो ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, फाइन। तो इसके साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन, वो हम इसी मतलब मेथड से ही कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, ओ ए बी सी, मतलब ये जो पूरी हमारी कर्व थी डायग्राम में ओ ए बी सी, हमने इसको दो पार्ट्स में डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन फॉर दिस इक्वेशन, मतलब जो ये वाली थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम उसे ब्रेक नहीं करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसको ब्रेक नहीं करेंगे टू पार्ट्स में, अभी इसको हम एज इट इज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको याद हो ओ ए बी सी ये कौन सी शेप डिस्कस कर रहा है हमारे पास, मतलब कौन सी शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम की डायग्राम दिख रही है यहाँ पे हमें, तो ट्रेपेजियम की अगर डायग्राम है तो हमने तो इसका एरिया डिस्कस करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, मे बी आपको आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये। तो मैथ्स में इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हाफ इनटू, यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अगर इस डायग्राम की बात करें तो कौन सी दो साइड्स पैरेलल है, ओ ए बी सी, ठीक है। देखो चेक करो ओ ए और बी सी, चाहे एक छोटी और एक लंबी है डजंट मैटर, बस दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसका मतलब OA प्लस BC इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस चीज को लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय OC, फाइन। तो
अभी आपको फिर से सेम चीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मतलब हाफ ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यू, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, देखो ये नई टर्म आई है हमारे पास, बी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो वी थी, नीचे आओ ओ पॉइंट पे क्या थी वेलोसिटी जीरो, अगर ओ पे जीरो तो सी पॉइंट पे भी क्या होगी वेलोसिटी जीरो, तो अगर बी सी को डिस्कस करना है तो बी सी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी वी, मतलब वी माइनस जीरो इट विल बी वी, तो यहाँ पे लिखोगे वी इनटू ओ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास टी, टाइम टी हमने लिखा था ओ सी को, तो ये हो गया। तो अभी चेक करो आपको ये चीज बनानी है, अगर आपको याद हो थर्ड इक्वेशन यही बनानी है ना हमने, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हमें और टी वाला जो फैक्टर है वो फालतू आ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे फिर से फर्स्ट इक्वेशन में जाओ, अगर आपको याद हो v माइनस u इक्वल्स टू ए टी होता है, फाइन, अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लूँ तो मतलब जो यहाँ साथ वाला ए है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ए टी जो था मतलब ए जो था वो यहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, सो फ्रॉम दिस रिलेशन मैं यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, इट विल बी हाफ यू प्लस वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए, मैंने एज इट इज इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी टी की। अब ये अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो टू और ए डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इट विल बी टू ए एस, ठीक है, इट विल बिकम टू ए एस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यू प्लस वी, इसको हम वी प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव मतलब चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो सेम चीज होता है, ओके okay? तो मैं इसको यू प्लस वी था, मैं इसको वी प्लस यू भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट वन भी है वी माइनस यू, तो अगर आपको याद हो ये भी मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिवाइड में तो है नहीं कुछ, ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो ये हमारी आ गई थर्ड आइडेंटिटी या थर्ड इक्वेशन, टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये आपकी तीन जो इक्वेशंस हैं तीनों आपस में कोरिलेट करती हैं, ठीक है, तीनों के लिए अगर आपको एक एक अलग भी आ जाती है तो सेम ग्राफ ड्रॉ करना, आपको सिंगल इक्वेशन के लिए भी आपको जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और जब आप मतलब पिछली इक्वेशन की हेल्प लेते हो तो यू हैव टू मेंशन हियर कि आपको यहाँ पे रीजन लिखना है कि बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, आपको यहाँ लिखनी है वो चीज, ठीक है, रीजन देना है वहां पे। तो इन तीन इक्वेशंस के साथ हमारा जो चैप्टर है फाइनली खत्म होता है, मोशन चैप्टर यहाँ पे, ठीक है, ये जो तीन इक्वेशंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चैप्टर का, तो आपको ये अच्छे से करनी है इक्वेशंस, इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।